सो गाइस, हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही का नाम है द लास्ट लेसन, और इसके राइटर हैं अल्फोंस ड्यूट। सो ये जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको अगर आप पढ़ें और समझें तो आपको मैं श्योर हूँ कि ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और ये चैप्टर भी बहुत मज़ेदार है। और इसके क्वेश्चन आंसर तो जिस हिसाब से मैं आपको कराऊँगी वो तो बहुत ही ईजी हैं। और या हम करते हैं, सो पहले हम इसकी बैक स्टोरी जान लेते हैं कि कहानी क्या है प्रॉपरली, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। सो, एक लड़का होता है फ्रांच नाम का, जिसको डेली जब वो स्कूल जाता है उसका पढ़ाई में उसे मज़ा नहीं आता, और जब वो एक दिन सुबह सोकर उठता है तब उसे बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था, और वो देखता है घड़ी में, अरे मुझे बहुत लेट होगी, फिर वो फटाफट एकदम अपने स्कूल के लिए निकलता है। तब उसे चलते चलते वो महसूस हो रहा था कि अरे मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज उसने जो उसकी मैम ने, मिस्टर हैमल है उसके टीचर यहाँ पर, उन्होंने बोला था उसे चैप्टर पार्टिफिकेशन लर्न करने को, जो कि उसने याद नहीं किया था। अब उसे पता था कि वो स्कूल जाएगा और उसके सर मिस्टर हैमल बहुत उसे डांटेंगे, तो इसलिए उसका मन नहीं किया आ जाने का, पर वो फिर भी जाता है स्कूल। और जब वो जाता है अपने स्कूल, पहुंचता है स्कूल, तब उसके सर उसे मिस्टर हैमल जो हैं बिल्कुल आज उसे कुछ नहीं कहते हैं, जबकि हमेशा अगर आप कोई गलती करेंगे तो सर आपको डांटेंगे या मैम भी डांटेगी, पर आज उसके सर उसे बिठा देते हैं जब वो स्कूल में लेट था। और जब वो पहुंचता है तो उसके सर कहते हैं सब बच्चों की क्लास लेते हुए कि आज हमारी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है स्कूल में, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कभी नहीं पढ़ा पाऊँगा स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर जो है एक वॉर का टाइम दिखाया गया है, जो कि वॉर का टाइम दिखाया है 1870-71 का पोल्यूशन वो दिखाई गई है, वार यहाँ पर लड़ाई यानी कि, जो कि उसके बाद उसके सर कहते हैं कि आज आपका फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट डे है, उसके बाद आपकी यहाँ पर नए सर आएंगे, आपको नई लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और इस वजह से वो काफ़ी दुखी होता है फ्रेंच जो था। पर मैंने आपको थोड़ी सी मेन स्टोरी बता दी है द लास्ट लेसन की। सो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो What did Mr. Hamel say about the French language? यानी कि जो फ्रांच, वो जो लड़का था उसके टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कहा, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज वो किस तरह देखते थे फ्रेंच लैंग्वेज को। तो ही कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। मतलब जो उसके मिस्टर हैमल जो सर थे, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कहा कि वो बहुत सुंदर एक लैंग्वेज है, भाषा है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाषा है, और वो बहुत लॉजिकल भाषा है और बहुत साफ भाषा है। सेकंड क्वेश्चन पर भरते हैं दोस्तों। वॉट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्डर। तो An order from bulletin had been put on the bulletin board. It said only German will be taught in the school of Axens and Lorin. Why did French not want to go to school that day? ये भी बहुत important question है guys. तो इसमें बताया गया है जो French, वो जो लड़का था, वो उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। बिकॉज दिस टीचर, हिज टीचर मिस्टर हैमल आस्क्ड देम टू प्रिपेयर द चैप्टर ऑफ पार्टिफिकेशन एंड ही डिड नॉट डन इट। मतलब जो उसके सर थे, उसकी जो टीचर थी मिस्टर हैमल, उन्होंने पार्टिफिकेशन एक चैप्टर है उसका उनको प्रिपेयर करना था, उन्हें लर्न करना था, जो कि उसने किया नहीं था, तो इसलिए उसको जाने का, स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर की वीडियो पसंद आई होगी द लास्ट लेसन की। अगर आप पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
मुझे कमेंट करके बताइएगा अगली टॉपिक वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए।